उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सियासी जंग दिलचस्प होती जा रही है। हर दिन नए ऐलान हो रहे हैं। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद लगातार विपक्षी दलों पर भी चुनाव लड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अखिलेश यादव ने भी चुनाव लड़ने का बड़ा ऐलान कर दिया है। अखिलेश यादव ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए वहां की जनता से अनुमति लेनी पड़ेगी। अगर वहां के लोगों ने कहा तो आजमगढ़ से चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश आजमगढ़ से सांसद भी हैं। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनहित संघर्ष पार्टी ने बिना शर्त के समाजवादी पार्टी का समर्थन का ऐलान किया। इसके साथ ही वह गठबंधन में शामिल हुए। इस दौरान कई अन्य लोगों ने भी समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इसमें प्रमुख रूप से वीरांगना उदा देवी, गौरव मंच के संयोजक मनोज पासवान, रवि दत्त रावत, धर्मवीर पासवान, जिला पंचायत उपाध्यक्ष भाजपा राम सुमिरन बाराबंकी ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वहां मौजूद रहे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पेंशन की शुरुआत फिर से की जाएगी। वृद्ध, जरूरतमंद महिलाएं, जरूरतमंद परिवार को प्रतिवर्ष 18,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। पहले समाजवादी पेंशन योजना के तहत प्रतिवर्ष 6,000 रुपये मिलते थे। ऐसी ही और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।